लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसका एक ही इलाज है कि मैं तुम्हारे रास्ते से अलग हो जाऊं। नहीं मम्मी, क्यों नहीं? ये सब मेरे ही कारण तो हो रहा है। मैं तुम्हारे लिए सिवा दुख और अपमान के कुछ नहीं रह सकी। मैं तुम्हारी राह का कांटा बन गई हूँ। सुनो मंजू, तुम मेरी राह का कांटा नहीं हो। तुम मेरी राह का कांटा नहीं हो, मेरी हम सफर हो तुम। कि मेरे रहने से तुम्हें अपने भाई भाभी माँ सबसे बिछड़ना पड़ रहा है। उन्होंने तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया है, तुमसे अपनी सारी उम्मीदें बांध रखी है। उनकी गोद से तुम्हें छीन लेने का हक किसी को नहीं। मेरा क्या है? मैं तो कल तुम्हारे जीवन में आई थी, आज चली जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। अंधेरे और दुख से भरी हुई इस दुनिया में मंजू, सही रास्ता तलाश करने के लिए मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। रतन, मेरा तुम्हारा प्यार तो एक सपने की तरह है। एक गरीब बेसहारा लड़की ने थोड़ी सी हमदर्दी पाकर प्यार का एक मीठा सपना देखा। पर सपने तो सपने ही होते हैं रतन, सपनों से तकदीरें तो नहीं बदली जा सकती। मैं तुम्हारी तरह सपने नहीं देखता मंजू, मैं केवल सच्चाई में विश्वास करता हूँ। और सच्ची बात यह है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं। ये हाथ जो आज मैंने थामा है, दुनिया की कोई ताकत इसे मुझसे अलग नहीं कर सकती। रतन भैया, तुम्हें सेठ जी ने बुलाया। सेठ जी ने? हाँ। आपके पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने मुझे बुलाया था। पिताजी ने नहीं, मैंने बुलाया। इस धोखे से तुम नाराज तो नहीं हो? पर मैं ये क्या खिदमत कर सकता हूँ? सुनो रतन, ये सारी दुनिया की चिंता तुमको क्यों है? अपनी भलाई देखो, मेरी बात मानो तो तुम इस मिल के मालिक बन सकते हो। अगर आपकी बात न मानूं तो क्या होगा? मोहब्बत नफरत की आग में बदल जाएगी। तो क्या होगा? उस आग में सब कुछ जल जाएगा और तुम्हें उस बेहया लड़के की राख भी नहीं मिलेगी जो तुमको रुसवाई और बदनामी के गंदे नाले में ढकेल रही है। कुछ और कहना बाकी है? तुम समझते क्यों नहीं रतन, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तुम्हें तरक्की और भलाई का आसान रास्ता बता रही हूँ। जो खुद अंधा हो किसी दूसरे को क्या रास्ता बता सकता है? मानती है, आप कहती हैं आप मुझसे प्रेम करती हैं और मैं कहता हूं कि आप इस पवित्र लफ्ज के मानी में नहीं जानती। मजदूरों ने अपने आप को क्या जमा रखा? कल तक मेरे दिल में चाटा करते थे और आज मैं उन्हें अपने पास बिठाऊं और उनसे बातें करूं? हर गलती नहीं हो सकता। डाके कह दो उनसे कि मेरे पास उनकी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरा ही कसूर है, मेरी ही वजह से मुसीबत यहाँ आई है। क्या हुआ? कैसी मुसीबत? वही जीती जागती मुसीबत मंजू, सारे फसाद की जड़ वही है। असल में सारे झगड़े के पीछे उसी का दिमाग काम कर रहा है। उस छोकरे की ये मजाल? अरे कोई है, फौरन गाड़ी निकलवाओ। मैं अभी बताता हूँ उसे कि मैं कौन हूँ। आओ मेरे साथ। मंजू, कौन है? मैं मालती हूँ। मंजू कहाँ है? क्यों, क्या बात है? मेरे डैडी आए हैं, मंजू को बुला रहे हैं। क्या, तुम्हारे पिताजी आए हैं? क्यों, वो घर पे है कि नहीं? डैडी, मंजू घर पर नहीं है, उसकी माँ है। तो उसकी माँ को बुलाओ। माँ कहाँ है? ये लोग सौ रुपए भीख मांगते ही अच्छे थे, बता खा के जरा सा सहारा दो कि सब सवार हो जाते। तुम्हारी बेटी की ये मजाल के इसी शहर में रह के मेरी मुखालफत करे? इस वक्त अगर यहाँ मौजूद होती तो बता देता कि मैं कौन हूँ। ऐसी गलती की तो छोटी पकड़ के शहर के बाहर फेंक देना चाहिए। बेशर्म जलील, बहुत हो चुका, अब एक शब्द भी न कहना।
डैडी, क्या हुआ डैडी? जल्दी ठंडा पानी लाओ। देखो फैन चला दो। डैडी डैडी शोर न मचाओ। क्या हो रहा है ये सब? रो क्यों रही हो माँ? औरत के भाग में हंसना कहाँ होता है बेटी? चल मंजू, अब यहाँ एक पल भी हम नहीं रह सकते। लेकिन माँ हम जाएंगे कहाँ? कहीं भी, मगर यहाँ से दूर, यहाँ से बहुत दूर। पर माँ इस तरह अचानक बिना कुछ कहे सुने हम कैसे जा सकते? तू नहीं जा सकती तो ना सही, पर मुझे तो जाना है। माँ ऐसी बातें क्यों कहती हो? मैं कुछ नहीं कहती बेटी, ये मेरा नसीब मुझसे कहलवा रहा है। मंजू मैं सब समझती हूँ बेटी, मैं तेरी खुशी बर्बाद करना नहीं चाहती। तू चाहे तो यहीं रह सकती है। नहीं माँ, नहीं ऐसा मत कहो। 20 बरस तक इतने दुख सहकर तुमने क्या इसीलिए मुझे पाला था कि मैं तुम्हें इस तरह छोड़ दूँ? नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ नहीं रह सकती। जहाँ तुम जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो माँ, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? जहाँ इंसान नहीं बसते, जहाँ अन्याय नहीं होता, वहाँ। सुनिए, ये लोग जो यहाँ रहते थे कहाँ गए? कल रात यहाँ से चले गए। यहाँ से चले गए? कहाँ गए? पता नहीं। मेरी जवानी में एक परदेसी हमारे गांव आया। उसने मुझसे बड़े बड़े वादे किए और एक दिन सबसे चोरी गांव के मंदिर में मुझसे ब्याह किया। प्रभु के पवित्र चरणों में खड़े होकर उसने कसम खाई कि वो जिंदगी भर मेरा साथ देगा। मैंने उसकी बात पर भरोसा किया, मगर अपने शहर वापस जाकर उसने पैसे के खातिर एक अमीर घर की लड़की से शादी कर दी। मैं शहर गई पर उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया और मुझे मार के घर से निकाल दिया। माँ, मेरा जी चाहा कि जहर खा लूं, पर तू मेरे घर में थी बेटी, मैं मर भी न सकी। वो कौन था माँ, कौन था वो ताली? Mm-hmm.
इधर आओ बेटी। क्या बात है बेटी, मेरी माँ अच्छी हो जाएगी ना? जरा धीरे से काम लो बेटी, आज की रात मुश्किल से कटेगी। ऐसा मत कहिए बेटी, ऐसा मत कहिए। माँ, माँ, मेरी तरफ देखो ना, माँ मेरी तरफ देखो, माँ। माँ के सिवा मेरा और कोई नहीं, बेटी किसी तरह से बचा लीजिए। बेटी, ये मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है।